हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बलरामपुर चीनी की। बलरामपुर चीनी एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है। गिरने के पीछे का रीजन क्या है? गिरने के पीछे का कोई रीजन नहीं होता, जस्ट चार स्टेज होती है। मैं हमेशा अपने अपने वीडियोज में बार बार आपको बता रहा हूँ कि चार स्टेज होती है, चार स्टेज होती है। इन चार स्टेज की तरफ आपको ध्यान देना है, और किस स्टेज में खरीदना है वो भी मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। अगेन इसमें एक बार रिपीट कर दूंगा, उसके बाद आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ जाएगी। अदरवाइज हमने यहाँ पर एक कोर्स लॉन्च किया है, ओके। इस कोर्स में आप ज्वाइन करके 8860540501 8169261037 यहाँ पर सीख के रिसर्च टेक्निकल सब कुछ यहाँ पर सीख सकते हैं, और वो भी बहुत कम प्राइस में। मार्केट में महंगा होता है, सस्ते में। और जब तक सिखा नहीं दूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं साहब, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। बलरामपुर चीनी उसी स्टेज में यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। कौन सी स्टेजेस होती है उससे रिलेटेड बातें कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं स्टेज बता देता हूँ, ओके। यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ जाएगी फिर उसके हिसाब से। ये देखिए, ओके, ये क्या थी यहाँ पर, और तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा खींच लूँ मैं लाइन, तो आपको यहाँ पर और चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, सो दिस वॉज द स्टेज वन, ओके। दिस वॉज जो ये है, ये स्टेज वन है, ओके। और जैसे ही स्टेज वन यहाँ पर से कंप्लीट हुई तो आपने यहाँ पर पैसा लगाया, ओके, स्टेज टू में। और स्टेज टू में जब आपने पैसा लगाया तो स्टेज यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने पैसे कमाए, 175 से थ्री, मतलब आपने कुछ ही टाइम में पैसा कमा लिया। इसके बाद यहाँ पर स्टेज थ्री आई, ओके। स्टेज थ्री कौन सी है? स्टेज थ्री एक तरीके से इसी को ले लीजिए, ये जो पूरी है ना, ये पूरा का पूरा स्टेज थ्री है, ओके। यहाँ पर से जो ये चल रहा है, और मोस्टली मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो ये जो पॉइंट है ये स्टेज थ्री का ही पॉइंट है, ओके। तो ये स्टेज थ्री चल रही थी और यहाँ पर स्टेज फोर शुरू हो चुकी है। जब इसने यहाँ पर ये पर्टिकुलर लाइन को भी क्रॉस कर दिया तो स्टेज यहाँ पर फोर शुरू हो चुकी है। और ये पूरी की पूरी फोर्थ का मतलब क्या होता है कि गिरना। तो कहाँ तक गिर सकता है उससे रिलेटेड अब हम यहाँ पर बातें करने वाले। तो यहाँ पर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और गिरने के पीछे का रीजन क्या है? गिरने के पीछे का रीजन कुछ भी हो सकता है, ABCD, कोई न्यूज आ गई या कुछ भी आ गया, ओके। बट मोस्ट प्रोबेबली जो मैं अपने हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, गिरने का पीछे रीजन ये हो सकता है कि इसके रिजल्ट आने वाले होंगे, ओके। और रिजल्ट के अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि 44 करोड़ रुपीज का लास्ट टाइम का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अगर आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे इसे सेप्टेम्बर से, ओके, तो यहाँ पर आपको पता चलेगी कि इसका 4K कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर यहाँ पर 5 और 6 भी आ जाता है तो भी यहाँ पर कम होता हुआ नजर आएगा। लगातार यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसमें? बीच में एक आध बार पॉजिटिव यहाँ पर अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आ रहा था, बट यहाँ पर नेट प्रॉफिट में लगातार डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब इस तरीके का डिक्लाइन आने लग जाता है ना, तो शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आता है। अब क्या, या तो इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए, बेहतरीन इन द सेंस एक कुछ छप्पर फाड़ के यहाँ पर कुछ ऐसा करके दिखाए कि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई दे और जो लोगों को इम्प्रेस कर दे, तो ये स्टॉक्स यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एकदम भागता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज ये स्टॉक्स और ज्यादा गिरता हुआ नजर आएगा और ये सब चीज बिगड़ती हुई नजर आ सकती है। तो शेयर की बात करें, शेयर ने ऑलरेडी यहाँ पर बेहतरीन रिटर्न देते हुए नजर आया, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी नजर आता है ये शेयर, तो इस चीज को हमें यहाँ पर भूलना नहीं है। बाकी स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी इसी तरीके से भागती है, इसी तरीके से गिरती हुई नजर आती है। FIIs, DIIs दोनों ने यहाँ पर बेचा और पब्लिक के पास शेयर यहाँ पर पकड़ाए जा रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग धीरे धीरे करके यहाँ पर निकल रहे हैं। तो क्या है सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसकी तरफ, तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा एक चीज। तो देखिये शेयर गिर रहा है, सबसे बेहतरीन सपोर्ट ये है, ओके, 296 का। बट यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्या हो सकता है कि चीजें यहाँ पर कुछ दिन के लिए यहाँ पर क्या हो सकती है, घूम सकती है, कंसोलिडेट कर सकती है, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर भगाए, भगाने के बाद दोबारा यहाँ पर गिराते हुए नजर आए। और ये शेयर दोबारा यहाँ पर रिजल्ट के बाद गिरता हुआ नजर आ सकता है, तो रिजल्ट से पहले तो बिल्कुल भी एंट्री यहाँ पर बनती नहीं है। और ये शेयर फिर यहाँ तक मैं अगर बात करूं तो और भी ज्यादा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ सकता है। ये फिर यहाँ पर सपोर्ट इसके बनते हुए नजर आ रहे एक ये और 188 के आसपास, तो ये पूरा का पूरा क्या राउंडिंग टॉप बना के चीजें नीचे आ सकती है। तो यहाँ पर अभी आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको एंट्री कब लेनी है? आपको एंट्री तब लेनी है जब अगर अभी यहाँ पर रुक जाता है और इस पर्टिकुलर लाइन से ऊपर चला जाता है, ओके, तब आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है। अदरवाइज यहाँ पर नीचे कुछ बन जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है, उसके बाद मैं अगेन वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बिहेव कर सकते हो। बट टिल दैट यहाँ पर अगर एक छोटी सी जंप भी आती है, एग्जिट करने की कोशिश करिएगा, खरीदिएगा मत। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। बाकी कोर्स है,
कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल सब इंक्लूड है 15,000 रुपीज़ में। और यहाँ पर देखिए कोर्स प्लस में कंप्लीट 3 मंथ्स की प्रैक्टिकल लर्निंग स्ट्रेटजीज जो भी होगा सब बताई जाएगी। इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।